दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुलिस ने काउंटर के दौरान दो बदमाशों को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों में एक का नाम आमिर खान है जबकि दूसरा राजमन है। आमिर ने लोनी इलाके में आतंक मचा रखा था जबकि राजमन अशोक विहार इलाके का गुंडा था। दोनों बदमाश लूटपाट के कई मामलों में वांटेड थे। बुधवार रात को बेगमपुर थाने के एसएचओ ने खजूरी खास थाने के एसएचओ को सूचना दी कि दो बदमाश श्रीराम कॉलोनी की एक बिल्डिंग में भारी हथियारों के साथ मौजूद हैं। श्रीराम कॉलोनी की जिस बिल्डिंग में ये दोनों बदमाश छिपे थे उसके अलग अलग फ्लैट्स में 15 परिवार रह रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और दोनों बदमाशों से सरेंडर करने को कहा। दोनों बदमाश बिल्डिंग के दूसरे माले के एक फ्लैट में घुसे बैठे थे। बदमाशों ने जान सांसत में देख पुलिस को धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस अगर यहां से नहीं गई तो वो खुद को और पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे। बदमाशों ने कहा कि हमारे पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद है। काफी समझाने के बाद भी जब बदमाश नहीं माने तो पुलिस ने आसपास के घर खाली करवा लिए और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। तभी बदमाशों ने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और गोलियां चलाई जिसमें दोनों बदमाश ढेर हो गए। एनकाउंटर में दो पुलिस वालों कांस्टेबल सचिन खोकर और कांस्टेबल कलिक तोमर को भी गोलियां लगी। एक चश्मदीद ने पूरी घटना बयां की। 10:30 बजे का टाइम था सर, 4-5 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमारे दरवाजे घर के बंद करवा दिए कि सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लीजिए। हम सब अपने दरवाजे के अंदर बंद हो गए। उसके बाद में और पुलिस वाले आए। पुलिस वाला आने के बाद में उनका दरवाजा खटखटाया, उनका दरवाजा खोला, उनसे बतड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर दरवाजा वो गेट खोलिए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आप सिलेंडर कर दीजिए। उनने सिलेंडर नहीं करा, उन्होंने दोनों आदमी ने अपने पिस्टन खोपड़ी पर लगा रखे थे कि आप अगर हमें मार लगे तो उनसे पहले हम ही खुद मार लेंगे, हमें मत छेड़ो। तो उसके बाद में जब सब बहुत सारे फोर्स चल गई ऊपर तो हमसे बोले कि सबके सब नीचे उतरो। हम सबके सब नीचे उतर आए। उसके बाद में 10-15 मिनट के बाद में फायरिंग शुरू हो गई। उसके बाद पता नहीं सर उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने फायरिंग चलाई या पुलिस ने फायरिंग चलाई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। गोली लगने से घायल हुए दोनों पुलिस कर्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बदमाशों के पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 मैगजीन, भारी मात्रा में गोला बारूद और करीब 1,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।